दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विक्रम के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, 777 चार्ली के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जनहित में जारी के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे तीनों फिल्मों के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं जनहित में जारी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 45 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन में 85 लाख का, तीसरे दिन में 98 लाख का और अपने चौथे दिन में लगभग 52 लाख का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 4 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 80 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 3 करोड़ 40 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 70 लाख के कलेक्शन कर लिया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 4 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4 करोड़ 10 लाख हो चुका है। अगर बात करें इस फिल्म के 5वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 5वें दिन में लगभग 45 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। अब जानते हैं 777 चार्ली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, 777 चार्ली बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त कमाई कर रही है और ये फिल्म पब्लिक को भी काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 6 करोड़ 55 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन में 8 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया था, तीसरे दिन में 10 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था और अपने चौथे दिन में लगभग 5 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 4 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 30 करोड़ हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ 45 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 3 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन कर लिया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 4 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 करोड़ 5 लाख हो चुका है। इस फिल्म को हिंदी में ज्यादा शोज नहीं मिले, फिर भी जितने शोज मिले हैं उन शोज की ऑक्यूपेंसी 40% से भी ज्यादा की जा रही है। इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 4 दिनों में 1 करोड़ 92 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया। अगर बात करें इस फिल्म के 5वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 5वें दिन में इंडिया में लगभग 4 करोड़ 80 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। अब जानते हैं विक्रम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, विक्रम कॉलीवुड की इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है, साथ ही कॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रॉसर मूवी भी बन चुकी है। इस फिल्म ने इंडिया में अपने पहले हफ्ते में 137 करोड़ 5 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो दूसरे वीकेंड में 21 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया था और अपने 11वें दिन में लगभग 7 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 182 करोड़ 23 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 218 करोड़ 70 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 98 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 316 करोड़ 70 लाख हो चुका है। वहीं इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में 11 दिनों में 5 करोड़ 64 लाख का कलेक्शन कर लिया। अगर बात करें इस फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 12वें दिन में इंडिया में लगभग 6 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों, आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।